नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। तो दोस्तों, आज सपने की सीरीज में हमारा विषय है सपने में करेला, जिसे इंग्लिश में बिटर गोर्ड भी कहते हैं। इसे देखने का क्या मतलब होता है? वैसे जो करेला होता है वो एशियन कंट्रीज़ की सब्जी, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ना उगती है ना खाई जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो हेल्थ के लिए जाना जाता है। लेकिन यदि आप सपने में करेला देखते हैं, तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो सपने में करेला देखना या करेले का पेड़ देखना, कटे हुए करेले देखना, एक आशीर्वाद की तरह, मतलब आपकी ज़िंदगी में प्रसन्नता या खुशी के आने की ओर प्रतीक है, या आपको आने वाले समय में अच्छी व आरामदायक प्रगति और बढ़ोतरी के बारे में बताता है। साथ ही साथ वे लोग जो रोगी हैं उनके स्वास्थ्य में उन्नति या वृद्धि या सही होने की ओर, अर्थात रोग मुक्ति की ओर भी संकेत करता है। अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो कड़वे फलों को, यदि आप कड़वे फलों को देखते हैं या कड़वे सब्जी को देखते हैं सपने में, तो ये सपना बताता है कि आप वास्तविक ज़िंदगी में शायद किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, या कुछ ऐसे सिचुएशंस का सामना कर रहे हों जिसका सामना आप नहीं करना चाहते, या वो परेशानी आपको ज़्यादा ही परेशान करती हैं, तब भी आपको कड़वी सब्जी या फलों के सपने ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा यदि आप एक सपना ही देखते हैं कि करेला पूर्ण रूप से सड़ गया है, खराब हो गया है, बेकार हो गया है, तो यह सपना भी अच्छा नहीं होता। या वास्तविक ज़िंदगी में किसी परेशानी या समस्या से आपको रूबरू होने या किसी समस्या में आपके फंसे होने की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।